चलिए दोस्तों आज हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल जिस एग्जाम्पल में हम सॉल्व कर रहे हैं एक क्वेश्चन को रिलेशन एंड रिग्रेशन का सो को रिलेशन एंड रिग्रेशन में हम सबसे पहले बात करते हैं को रिलेशन की जिसमें हमारे पास एक डेटा सेट है दो वेरिएबल्स हैं कोई भी दो वेरिएबल्स कुछ भी नाम दिया हो आपको मान के चलना है एक्स और वाई सो so, पहले वेरिएबल को अगर हम एक्स बोल दे रहे हैं तो एक्स का डेटा सेट फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास टेन ट्वेंटी फिफ्टीन ट्वेल्व एंड फॉर एग्जाम्पल इट इज़ इन ठीक है दूसरी तरफ हमारे पास एक डेटा है जिसका डेटा वेरिएबल्स है फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेल्व टेन एंड फॉर एग्जाम्पल लेटर्स एट तो अब क्या हो रहा है इस चीज़ में हम इन दोनों के बीच के रिलेशन को, को रिलेशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो वो को रिलेशन फाइंड करने का हमारा एक तरीका है सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक्स और वाई एक्स और वाई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो पंद्रह इंटू टेन तो इसका आंसर हो जाएगा वन फिफ्टी अब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी विल बिकम फोर हंड्रेड फिफ्टीन इंटू ट्वेल्व विल बिकम फिफ्टी टू 30 फिफ्टी वन फिफ्टी वन जो फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन तो ये हो जाएगा वन एटी ट्वेल्व इंटू टेन विल बिकम वन ट्वेंटी नाइन इंटू एट विल बिकम सेवेंटी टू ठीक है तीसरा कॉलम होता है हमारा एक्स स्क्वायर का यही मेथड है इसको आप यूज़ करोगे बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी सो दस का स्क्वायर हंड्रेड बीस का स्क्वायर फोर हंड्रेड पंद्रह का स्क्वायर दो सौ पच्चीस बारह का स्क्वायर वन फोर्टी फोर कैसे स्क्वायर करते हैं 12 इंटू ट्वेल्व करना है तो कैलकुलेटर पे आप वैल्यूज डाल सकते हैं नाइन का स्क्वायर एटी वन चौथा कॉलम हमारा जो होता है वो होता है वाई का स्क्वायर सो फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन दो सौ पच्चीस बीस का स्क्वायर वापस से 400. So, 12 का स्क्वायर चौवालीस दस का स्क्वायर सौ आठ का स्क्वायर चौंसठ ये सौ है ओके सिक्सटी सिक्स नहीं समझ लेना है अब क्या करना है हमको सारे कॉलम्स का टोटल करना है टोटल ऑफ ऑल दी कॉलम सो सबसे पहले पाँच दो सात नौ सोलह कैरिड वन वन प्लस वन टू प्लस टू फोर फोर प्लस टू सिक्स तो एक्स का टोटल सिक्सटी सिक्स वाई का टोटल पाँच दो सात सात आठ पंद्रह कैरिड वन वन प्लस वन टू प्लस टू फोर फोर प्लस टू सिक्स अब टू पाँच आठ तेरह तेरह दो पंद्रह पंद्रह सात बाईस कैरिड टू टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस फोर सेवन सेवन प्लस टू नाइन फाइव फाइव प्लस फोर नाइन प्लस वन टेन कैरिड वन वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस फोर सेवन सेवन प्लस एट फिफ्टीन कैरिड वन वन प्लस वन टू टू प्लस फोर सिक्स सिक्स प्लस टू एट प्लस वन नाइन यहाँ पे फाइव प्लस फोर नाइन नाइन प्लस फोर थर्टीन कैरिड वन वन प्लस टू थ्री प्लस फोर सेवन सेवन प्लस सिक्स अगेन थर्टीन कैरीड वन वन प्लस टू थ्री प्लस फोर सेवन प्लस वन एट प्लस वन नाइन एंड एन इज वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है बस अब कुछ नहीं करना है इस भी पे वैल्यूज डालना है सबसे पहले कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई उसका फार्मूला है समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन इंटू समेशन वाई अपॉन एन ये कैसे होगा बहुत सिंपल इस पर वैल्यूज़ डालो बस क्या वैल्यूज़ हैं अभी अभी हमने निकाल लिए एक्स वाई का टोटल है नौ सौ बाईस सो नौ सौ बाईस डिवाइडेड बाय फाइव माइनस एक्स का टोटल सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स बाय फाइव इंटू वाई का टोटल सिक्सटी फाइव बाय फाइव बस इसी पे वैल्यूज डालो और इनको कैलकुलेट करो कैसे होंगे देखो अब आज इसके लिए हम वी विल टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सो वेयर इज़ आर कैलकुलेटर कैलकुलेटर इज हियर ओनली कहीं बाहर तो भी नहीं है हमारा कैलकुलेटर सो so, चलो कैलकुलेटर के पास चलते हैं नाइन ट्वेंटी टू नाइन ट्वेंटी टू बाय फाइव इक्वल्स टू वन एटी फोर पॉइंट सॉरी वन एटी फोर पॉइंट कहाँ गया वन एटी फोर पॉइंट फोर सो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे वन एटी फोर पॉइंट फोर माइनस सिक्सटी क्या वैल्यू थी हमारी सिक्सटी सिक्स बाई फाइव इंटू इसका भी बहुत सिंपल सा तरीका है सिक्सटी सिक्स बाई फाइव जो भी वैल्यूज आएंगे सिक्सटी सिक्स बाई फाइव इंटू सिक्सटी फाइव बाई 5 इक्वल्स टू 171.6, सो 171.6 सेवेंटी वन माइनस वन वन सॉरी कहाँ गया माइनस वन नाची नाची पेन ले लो हाँ 171.6 इक्वल्स वन टू माइनस कर दो सिंपल सा है चौदह में से गए आठ राइट तीन में से एक गए दो आठ में से सात गया एक सो ट्वेल्व पॉइंट एट आ गया आपका कोवेरियंस का आंसर अब हमने इसमें टाइम इतना क्यों लगाया क्योंकि हम आपके सामने लाइव लाइव सॉल्व कर रहे हैं तो जब आप लाइव लाइव सॉल्व करोगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा नहीं या yeah. ज़रा सी गलती हमारी माफ़ करना ठीक है नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट या सॉरी सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट हमारे लिए क्या है समेशन सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स का फॉर्मूला है हमारा देखो कुछ इस तरीके से होल स्क्वायर और इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट ठीक है तो अब वैल्यूज हमको डालनी है स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का टोटल और एक्स का टोटल हमें चाहिए तो एक्स स्क्वायर का टोटल हमने यहाँ पर निकाला हुआ है नौ सौ पचास और एक्स का टोटल है सिक्सटी सिक्स सो नौ सौ पचास डिवाइडेड बाय फाइ माइनस सिक्सटी सिक्स बाय फाइ का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी वो हम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से सो so, कैलकुलेटर पे आ जाते हैं सबसे पहले हम क्या वैल्यू डालेंगे कैलकुलेटर में नाइन फिफ्टी uh, कहाँगे हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाए भाई यस सो नाइन नाइन फिफ्टी बाय फाइ इक्ल्स टू वन नाइन्टी हमें ये वैल्यू याद रखनी है माइनस हमारा आंसर क्या है सिक्सटी सिक्स बाय फाइ इंटू सिक्सटी सिक्स बाय जो हमारा वैल्यू है वन सेवेंटी फ़ोर पॉइंट फ़ोर हमें इसको माइनस किस में से करना था वन सेवेंटी फोर पॉइंट टू फोर इसको माइनस करना था वन नाइन्टी में से राइट सो इक्वल्स टू यहाँ पे ज़रूर नेगेटिव में दिख रहा है बट ये नेगेटिव में नहीं है जस्ट अ सेकेंड कैसे इसको हम या फिफ्टीन पॉइंट सेवन सिक्स दिस इज़ नॉट इन नेगेटिव ओके फिफ्टीन पॉइंट सेवन सिक्स इसका स्क्वायर रूट है ऐप तो स्क्वायर रूट भी हमें कैलकुलेटर की मदद से ही निकालनी पड़ेगी फिफ्टीन पॉइंट सेवन सिक्स कैलकुलेटर एक बार बंद हो जाए तो उसे वापस उस ऐप में जाना है लिटल बिट कॉम्प्लिकेटेड सो हमें जो है 15 स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टीन पॉइंट सेवन सिक्स चाहिए तो विच इज़ थ्री पॉइंट नाइन सेवन ओके थ्री पॉइंट नाइन सेवन सो इसका आंसर है थ्री पॉइंट नाइन सेवन पॉजिटिव में ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन क्या है हमेशा सिम, हमारा सिमिलरली सिग्मा वाई सिग्मा वाई का वैल्यू क्या है अगेन समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन वाई अपॉन एन इस पूरे का स्क्वायर तो इक्वल्स टू हमें क्या चाहिए वाई स्क्वायर का टोटल और वाई का टोटल कहाँ से है वाई स्क्वायर का टोटल हमने निकाला नाइन थर्टी थ्री एंड सिक्सटी फाइव सो नाइन थर्टी थ्री एंड सिक्सटी फाइव नाइन थर्टी थ्री अपॉन फाइव माइनस सिक्सटी फाइव अपॉन फाइव का स्क्वायर अपॉन फाइव अब ये तो हम ओवरली भी कर सकते हैं कैसे स्क्वायर रूट ऑफ कितना फाइव वन ज़ा फाइव फोर फाइव एट ज़ा फोर्टी थ्री हो जाएगा तो फाइव सिक्स ज़ा थर्टी पॉइंट सिक्स माइनस सिक्सटी फाइव बाई फाइव होता है कितना फाइव वन ज़ा फाइव फाइव थ्री जो फिफ्टीन थर्टीन थर्टीन का स्क्वायर होता है वन सिक्सटी नाइन तो वन एटी सिक्स माइनस वन एटी सिक्स माइनस वन एटी सिक्स पॉइंट सिक्स माइनस वन सिक्सटी नाइन इसका वैल्यू क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मच पॉइंट सिक्स तो एज इट इज ही रहेगा सिक्स माइनस नाइन किया तो बचेगा फाइव सेवन माइनस सिक्स किया तो वन फिफ्टीन पॉइंट सिक्स का स्क्वायर रूट क्या आता है फिफ्टीन पॉइंट सिक्स का स्क्वायर रूट इफ़ वी आर जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट फिफ्टीन पॉइंट सिक्स तो स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टीन पॉइंट सिक्स इक्वल्स टू थ्री पॉइंट नाइन फाइव थ्री पॉइंट नाइन फाइव अगेन थ्री पॉइंट नाइन फाइव अब आ जाओ फाइनल आंसर आर की वैल्यू आर की वैल्यू होती है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अब ये सारी वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं क्या क्या हैं वैल्यूज देखो हमको पीछे जाके देखना है कोवेरियंस हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था ट्वेल्व पॉइंट एट तो हमें जाके वो वैल्यू रख देनी है यहाँ पे इक्वल्स टू ट्वेल्व पॉइंट एट डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स कितना हमने निकाला है 3.97 सो 3.97 पॉइंट नाइन सेवन वाई अभी अभी हमने निकाला है थ्री पॉइंट बस इसका हमको सोल्यूशन निकालना है ट्वेल्व पॉइंट एट डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट नाइन सेवन इंटू थ्री पॉइंट नाइन फाइव ये भी हम कैसे करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है हर बार हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है सो so, कैलकुलेटर पे आ जाओ 12.8 डिवाइडेड बाय 3.97 डिवाइडेड बाय 3.95 क्या आंसर आया 0.816 तो अगर हम राउंड फिगर करते हैं तो 0.82 0.82 ये हो गई हमारी R की वैल्यू बस अब इसका इंटरप्रटेशन आपको लिखना है 0.82 का मतलब क्या है पॉजिटिव है कि नेगेटिव तो पॉजिटिव तो तुमको लिखना है कि कोरिलेशन इज़ पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा अब ये वन के काफ़ी क्लोज है पॉइंट फाइव के ऊपर है और वन के क्लोज है तो ये हो गई पॉजिटिव प्लस स्ट्रांग को रिलेशन यही देखना है अब इस चीज़ को टेस्ट करना है तो आ जाओ डेटा सेट पर डेटा सेट को देख के पता चल जाएगा पॉजिटिव और स्ट्रांग का मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा देखो दस से बीस हुआ बीस से दस से बीस तो पंद्रह से बीस बीस से पंद्रह मतलब कम हुआ है तो यहाँ पर भी कम हुआ है पंद्रह से बारह और कम हुआ है तो और कम और कम तो और कम वही चीज़ हुआ कि जहाँ बढ़ रहा है वहाँ बढ़ रहा है जहाँ कम हो रहा है वहाँ कम हो रहा है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे एक ही साथ जाएंगे बस वही तो कहने का मतलब था सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड नहीं समझ आया तो कॉमेंट करो समझ आया तो कॉमेंट करो एंड कुछ डाउट है तो भी कॉमेंट करो बस इंपॉर्टेंट है वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना